मतलब कि जो मैंने बोलना होता है ना, जो मैंने गुस्सा निकालना होता है, मैं उसी वक्त निकाल देती हूँ लाइक स्पिट, एंड देन उसके बाद आई एम फाइन, लाइक मुझे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता. तो हाँ ऐसा है. तो मेरे पास कोई ग्रजेस नहीं है, मेरे पास कोई एनिमीज नहीं है, सोन एनिमीज आए लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, उनको मैं अवॉइड करती हूँ, बट दुश्मनी नहीं पाती मैं. नेहा सफदर ने लाइव आकर अपनी तमाशा घर की जर्नी के बारे में बता दिया कि उनकी लड़ाइयाँ किस वजह से होती थी और क्या सारा सीन था, और उनको ये विन ना करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है और लोगों का कैसा रिस्पांस आया है उनको तमाशा घर में देखने के बाद. सो मरिया सफदर जो हैं वो लाइव आई और अपने फैंस के साथ उन्होंने पूरी जर्नी शेयर की है तमाशा घर की, और बहुत फ़नी फ़नी सी स्टोरीज़ भी बताई हैं. तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. मरिया सफदर जो हैं वो की में है इस वक्त, वो इंजॉय कर रही हैं और वहाँ से लाइव आकर उन्होंने बहुत सारी डिटेल बताई है, बहुत सारी फ़नी स्टोरीज़ बताई हैं और अपनी वहाँ की पूरी जर्नी बताई तमाशा घर की, कि वहाँ पे इनका कैसा सीन था और किस तरह की सिचुएशन थी, किस तरह उनकी फ़ाइट होती थी. सो वो डिटेल उन्होंने बता दी है. सो आप सुनिए उनकी ख़ुद की ज़ुबानी मरिया सफदर की. मतलब कि जो मैंने बोलना होता है ना, जो मैंने गुस्सा निकालना होता है, मैं उसी वक्त निकाल देती हूं लाइक स्पिट, एंड देन उसके बाद आई एम फाइन, लाइक मुझे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता. तो हाँ ऐसा है. तो मेरे पास कोई ग्रजेस नहीं है, मेरे पास कोई एनिमीज नहीं है, सोन एनिमीज आए लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, उनको मैं अवॉइड करती हूँ, बट दुश्मनी नहीं पाती मैं.